वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरुपग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित सर सिंधु मंद, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहाँ इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर विहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्यगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नरनाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये पंक्तियाँ थी रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी से, मुझे एक कविता और ये कविता संग्रह या ये महाकाव्य जिसको कहते हैं बहुत प्रिय है, और तृतीय सर्ग है ये इसका, जिसके अंदर पांडव अज्ञातवास से वापस आते हैं। तो हम सभी आजकल एक तरह के अज्ञातवास में घरों के अंदर बंद हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि 2 दिन पहले थी, तो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और हिंदी को मैं कोशिश करता हूँ, हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता हूँ अपने वीडियो जो यूट्यूब में ही बनाता हूँ, भी हिंदी में, और अच्छी तरीके से हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबसे विनती है कि आप भी कोशिश करिए इन सब में अपनी हिंदी को हम ताकि जीवित रखें, और हिंदी की कविताएँ पढ़ें, हिंदी के कहानियाँ पढ़ते रहें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगा और आप सभी इसमें योगदान देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा।